हेलो एवरीवन, आज के सेशन का टॉपिक है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया, यदि आप कोई भी आईटी डिपार्टमेंट से कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट होगा। तो मैंने इसको प्रिपेयर इस तरीके से किया है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपके लिए जो बेस्ट हो वो देख लें। और स्क्रीन पर आपको ये कुछ चीज़ दिख रहा होगा कि मल्टीमीडिया, ये मल्टीमीडिया लिटरेसी मतलब क्या, एक मल्टीमीडिया के अंतर्गत क्या क्या होता है इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। यानी क्या, एक अच्छा स्क्रीन चाहिए हमें, ठीक है, स्क्रीन का अच्छा कलर चाहिए, ठीक है, और पावर पॉइंट का टेक्स्ट चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, हाइपर लिंक हो, इफेक्ट डाला गया हो, कुछ ड्राइविंग किया गया हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो, मोशन वीडियो हो, पॉडकास्टिंग करने का एक ऑप्शन मिले, ठीक है, मल्टीमीडिया फ्रंटियर है, सोशल इश्यू हो, कीपिंग अप हो, प्लस प्रोजेक्ट एग्जाम्पल भी हो, ठीक है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मल्टीमीडिया। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में है कि मल्टीमीडिया इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू प्रेजेंट एंड कंबाइन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो विथ लिंक एंड टूल दैट लेट द यूज़र नेविगेट। नेविगेट मतलब होता है संचालित, इंट्रैक्ट, क्रिएट एंड कम्युनिकेट मतलब क्या, कि ये ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, लिंक एक टूल के साथ काम करेगा, ठीक है, जो कुछ प्रेजेंट करेगा, एक दूसरे से इंट्रैक्ट करेगा, इंट्रैक्ट करके कम्युनिकेशन बनाएगा, ठीक है ना। ठीक है, दिस डेफिनेशन कंटेन फोर कंपोनेंट इसेंशियल टू मल्टीमीडिया। कहता है कि इसमें चार तत्व चाहेंगे जो बताएंगे कि ये मल्टीमीडिया है या नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा, पहला है कि देयर मस्ट बी अ कंप्यूटर टू कोऑर्डिनेट व्हाट यू सी एंड हियर एंड इंटरेक्ट विद। मतलब जैसे अगर पूछा जाए कि टीवी क्या एक मल्टीमीडिया है, ठीक है, तो अब मल्टीमीडिया नहीं कह सकते क्योंकि वो बस वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप अपना कुछ भी चेंजेस कर लो, जैसे टेक्स्ट चला लो, ठीक है, कुछ एडिटिंग कर लो, बात समझ में, यानी कुछ लिखना हो, मतलब हर चीज़ का कम्युनिकेशन कर पाओ, उसको बोलेंगे हम लोग मल्टीमीडिया। लेकिन जो आपका जो मॉडर्न आ रहा है टच स्क्रीन, तो उसमें हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन समझ में आया, देयर मस्ट बी अ कंप्यूटर टू कोऑर्डिनेट वॉट यू सी एंड हियर एंड इंटरेक्ट विद। आप क्या सुनते हो और क्या देखते हो, ठीक है, और उससे क्या आप इंटरेक्ट कर पाते हो। सेकंड देखो, देयर मस्ट बी लिंक दैट कनेक्ट द इंफॉर्मेशन। मतलब कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सामने दिया गया है, तो उससे उससे मेन इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट किया जाए, ठीक है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन से लॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी डिटेल जानने के लिए हम एक लिंक का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब थर्ड देखो, देयर मस्ट बी नेविगेशनल टूल दैट लेट यू ट्रेवर्स द वेव ऑफ कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या, एक ऐसा आपके पास नेविगेशन होना चाहिए, ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो आप कोई बंदा क्लिक करे तो उसको मेन इन्फॉर्मेशन तक वो पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको समझने वाली चीज़ क्या है कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेस हो, शॉर्ट रिसोर्सेस, जैसे आपने नोटिस किया होगा। अब इसके चौथे पार्ट को देख लेते हैं हम, ठीक है, बिकॉज मल्टीमीडिया इज नॉट अ सेपरेटर स्पॉट स्पॉट देयर मस्ट बी वे फॉर यू टूगेदर प्रोसेस एंड कम्युनिकेट योर ओन इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। इफ वन ऑफ दिस कंपोनेंट इज मिसिंग यू डू नॉट हैव मल्टीमीडिया। मतलब ये कहने का है, जैसे उसमें बताया गया टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ये सब कॉम्बिनेशन है, अगर इनमें से कुछ मिसिंग है तो आप उस चीज़ को मल्टीमीडिया नहीं कह सकते, ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे अब यहाँ समझना है स्क्रीन डिज़ाइन क्या होता है। स्क्रीन डिज़ाइन का मतलब ये है कि जैसे आप एक पेज बना रहे हो, तो उस वो पेज में जो कंटेंट होंगे वो किस टाइप से दिखना चाहिए, ठीक है, यानी देखने वाला उससे से अट्रैक्टिव हो। ओके, तो यहाँ समझ लो आप, मल्टीमीडिया डेवलपर नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू, नंबर फर्स्ट, अरेंज टेक्स्ट इन द प्रॉपर साइज, कलर, फॉन्ट ऑन अ मल्टीमीडिया स्क्रीन। बात समझ में, ये आप जब एग्ज़ाम में आप लिखोगे ना, थॉट पॉइंट आप हेडिंग डाल दोगे नीचे, अंडरलाइन कोट कर दोगे, तो वो आपके लिए बेनिफिट होंगे, ठीक है ना। नॉर्मल केवल वर्ड जैसे नहीं लिखना है आपको, अंडरलाइन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम करते हैं, जैसे क्या आप लिखते हो साइज, कलर, फॉन्ट, इनको क्या करते हो आप अंडरलाइन करते हो, तो वहाँ पर आपको नंबर गेन होते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, चूज़ एन अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड कलर एंड अंडरस्टैंड हाउ फॉरग्राउंड टेक्स्ट कलर इंट्रैक्ट विद बैकग्राउंड स्क्रीन कलर। कहने का तात्पर्य ये है कि आप बैकग्राउंड कलर वैसा इस्तेमाल करो ताकि जो हमारे कंटेंट हो बहुत ही अच्छे से दिखाई दे, ठीक है।
अब देखो, अरेंज पिक्चर ऑन ए स्क्रीन आइदर एज बैकग्राउंड इमेज और डिज़ाइन एलिमेंट फॉर टेक्स्ट टू फ्लो अराउंड, मतलब ये कि अगर आप कोई इमेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका जो बैकग्राउंड में किस टाइप से वो दिखे, ठीक है, अगर बैकग्राउंड लगा रहे हो या फॉरग्राउंड किसी शेप के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है, तो उसको कैसे आप प्रेजेंट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होता है। अब बात करते हैं मेक टेक्स्ट स्टैंड आउट अगेंस्ट अ बैकग्राउंड फोटो, ठीक है, यानी क्या, हम कोई टेक्स्ट लगा रहे हैं, ठीक है, हम जैसे कोई बैकग्राउंड फोटो है हमारे पास, उस पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट पे कैसे हम लिखें, उस टेक्स्ट को हम कैसे कि कहाँ पर लिखें, किस फोटो किस एंगल में रखें, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई इमेज होता है, इमेज कुछ कैप्शन लिखना होता है, तो कैप्शन कहाँ लिखना लिखा जाए सही से, सही तरीके से, ताकि वो उस चीज़ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। ओके, अडॉप्ट अ कॉमन लुक एंड फील फॉर द स्क्रीन इन योर एप्लीकेशन, ठीक है, यानी जब आपका स्क्रीन एक अच्छा से स्क्रीन बन जाएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक सामान्य रूप से आपको वो चीज़ आपको महसूस होने लगे कि हाँ अब मेरा कंटेंट क्या है, अब विजुअली अच्छा से दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, अब बात करेंगे लेआउट, ठीक है, आपने स्क्रीन देख लिया, अब लेआउट, लेआउट मतलब क्या, लेआउट मतलब उसका जो डिज़ाइन है ना, उसका पेज का है, कितने सा, क्या साइज़ का है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। मल्टीमीडिया स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिज़ाइन एलिमेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट ग्राफिक्स आइकन ट्रिगर एंड बटन, द रिलेशनशिप अमॉन्ग दीज एलिमेंट ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड लेआउट। व्हेन यू क्रिएट अ मल्टीमीडिया स्क्रीन, जब हम मल्टीमीडिया स्क्रीन क्रिएट करते हैं, यू शुड प्लेन इट्स लेआउट शो यू कंटेंट गेट्स प्रेजेंटेड विद गुड बैलेंस, ठीक है, बात समझ आई, अगर आप कोई कंटेंट यानी मल्टीमीडिया प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप एक प्लेन सा एक सादा सा पेज लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप जो समझ में आता है आपको, ठीक है, वो आप करते हो। थिंक ऑफ डिवाइडिंग द स्क्रीन इंटू राइजन ऑफ विच सम विल बी पिक्चोरियल, ठीक है, जैसा आपको उचित लगता है उसको पिक्चोरियल करना है, कलरफुल करना है, वो आप करते हो। विद अदर कंसिस्टिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट यू मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ द यूजर विल इंट्रैक्ट विथ योर स्क्रीन एंड इंक्लूड द अप्रोप्रिएट नेविगेशनल बटन एंड हाइपर टेक्स्ट लिंक, मतलब क्या, आप लेआउट किस टाइप से दिखाना चाहते हो, यानी आपके पास कोई स्क्रीन में लिंक आपने सेट किया है तो यूज़र उस पर कैसे बहुत ही आसानी से उसको नेविगेट कर पाए, ठीक है। आपने कोई एक पेज बनाया है, आपने वेबसाइट देखा होगा, वेबसाइट पे कुछ कंटेंट सही सही तरीके से अरेंज किए जाते हैं, ठीक है ना, वैसे ही आपके पास एक लेआउट होना चाहिए मल्टीमीडिया का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, फॉन्ट सिलेक्शन क्या होता है। फॉन्ट सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जब आप कोई कंटेंट लिखते हो ना, कोई स्टोरी लिखते हो, तो फॉन्ट अगर अच्छा दिखता है, ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल लुक अच्छा दिखता है ना, तो कंटेंट बहुत सारे में अच्छे लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, अगर आप लिखते हो आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होती है, ठीक है, और कुछ पुअर राइटिंग होती है, तो दोनों मैच कराते हो तो आपका वाला अच्छा लगता है ना, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या है, जब आप मल्टी मीडिया कॉन्टेंट बनाओगे तो टेक्स्ट भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। हम बात करें फॉन्ट टेक्नोलॉजी एनेबल यू टू प्लेस एनी फॉन्ट ऑन द स्क्रीन इन एनी साइज एंड कलर यू वॉन्ट, आप जितना साइज चाहते हो, जो भी कलर चाहते हो, वो आप अप्लाई कर सकते हो। दे आर हंड्रेड ऑफ डिफरेंट फॉन्ट अवेलेबल फ्रॉम वेंडर सच एज अडोब एंड कोरल, ठीक है, यानी हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट पड़े हुए हैं अडोब कोरल में, ठीक है, अडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रा में, एमएस वर्ड में, ठीक है। बट बी केयरफुल व्हेन यू चूज अ फॉन्ट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यू इंटेंड टू पब्लिश, आप जो फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, उसको पब्लिश भी करना है, तो आप बहुत ही केयरफुली से सेलेक्ट करो कि वो नेट पे, ठीक है, यानी मल्टीमीडिया कंटेंट बना रहे हो, एक वीडियो बना रहे हो या मल्टीमीडिया कंटेंट में कोई भी कुछ भी, तो वो चीज़ पब्लिश होने वाली चीज़ है, तो वो वहाँ पे कैसी दिखेगी, आपके सिस्टम में कैसी दिखती है, ठीक है, तो ये भी हमें ख्याल रखना होता है। इफ़ यू फॉन्ट यू चूज इज़ नॉट इंस्टॉल ऑन द यूज़र मशीन, यदि आप जो चाहते हो फॉन्ट, आपने देख लिया कि ये फॉन्ट मुझे पसंद आ गया, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करो, तो वो फॉन्ट आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर इंस्टॉल नहीं करते हो तो योर स्क्रीन विल नॉट अपीयर इंटेंडेड, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका स्क्रीन जो होगा ना, उस टेक्स्ट पे ब्लैंक हो जाएगा, बात समझ में, ठीक है। तो आप फॉन्ट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तो फॉन्ट को आप अच्छे से समझना, ठीक है। अगर मल्टीमीडिया में आप इतना भी लिख दोगे ना, ठीक है, तो आपको अच्छे ऐसे नंबर मिल जाएंगे, बट ख्याल रखना कुछ पॉइंट जो होते हैं हमारे पास, अंडरलाइन रखना, ठीक है, और इतना कर दोगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये सेशन आपको समझ में आया हो
ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो सेशन समझ में आया हो तो आप डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आगे कुछ इसमें सुधार कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।